हाय गाइस, दिस इज जियार एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब एनवायरमेंट। फ्रेंड्स, आज की जॉब्स, आज का ये वीडियो पूरा ही हटके है, पूरा ही अलग से है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो जॉब्स है, अब तक की जितनी भी सारी जॉब्स आई थी हमारी कंपनी के थ्रू, उसमें कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी डिमांड काफ़ी टाइम से आ रही थी, कैंडिडेट्स जो है काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर ये वाली जॉब लेकर आइए, सर इस फील्ड के लिए जॉब लेकर आइए, सर मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज की ये जॉब्स होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले, ताकि नई नई जॉब के अपडेट्स जल्दी से जल्दी पहुंचे। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा, इस वीडियो पूरा देखने के बाद ही कॉल करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। रीज़न ये रहता है कि आप उसमें टाइमिंग नहीं देखते। टाइमिंग जो है 10 से लगाकर शाम के 5 बजे तक रहता है, 11 बजे 12 बजे कॉल आने लगते हैं। एनीवे आप लोगों का जो है प्यार इतना हो जाता है और आप लोगों का सपोर्ट इतना हो जाता है कि क्या करें, 11-12 बजे भी कभी कभी फोन रिसीव करना पड़ता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की जॉब होने वाली है वो जॉब्स वेल्डिंग वालों के लिए होने वाली है, हेल्पर वालों के लिए होने वाली है। अगर आप अच्छे हट्टे कट्टे हैं, अगर हाइट है आपकी, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं और हट्टे कट्टे हैं, अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, जॉब से वेल्डिंग वालों के लिए प्लस हेल्पर, वेल्डिंग वालों की भी रिक्वायरमेंट है प्लस हेल्पर की भी रिक्वायरमेंट है इस कंपनी में। वेल्डिंग और हेल्पर वालों की सैलरी होने वाली है 13,000 रुपये सैलरी होने वाली है, प्लस डेली का 100 रुपीज खाने का, डेली का 100 रुपये खाने का दिया जाएगा आपको दोपहर के टाइम, शाम सुबह नहीं, सिर्फ दोपहर के टाइम 100 रुपीज खाने का दिया जाएगा। आप उस 100 रुपीज में चाहे तो चाय बिस्किट खाइए, या फिर आपके ऊपर है, आप चाहे होटल में खाइए, कंपनी वो सब देखने नहीं जाती, कंपनी आपको 100 रुपीज खाने का देगी प्लस रूम फ्री। इसके अलावा आप कभी बोलेंगे भाई कि दोपहर खाने का देगा, शाम को क्या करेंगे, शाम को की देगी यार कंपनी, जो दोपहर में देती है वो शाम को भी देती है। तो शाम का खाने पीने का जो है उनकी तरफ से अलग से रहता है, वो उन्हीं के रूम पे रहता है, तो रूम पे आप उनकी तरफ से खाना रहता है और रूम फ्री रहता है। हेल्पर, अब हेल्पर में ये है कि काफ़ी लोग कमेंट्स करेंगे इस पर कि सर कौन सा वेल्डिंग हेल्पर है, उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। तो उसमें एक बात बता दूँ कि ये लोग जो है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लेते हैं, बड़े बड़े ठेके लेते हैं, उसमें गैस पाइप्स जो आती है उसको जो कटिंग करना, उसको वेल्डिंग करना, वही सब काम रहता है इनका। तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा हार्ड वर्क रहता है, 50 किलो 100 किलो के बड़े बड़े पाइप्स रहते हैं लोहे के, उनको उठाना, इधर उधर रखना, वह सब काम रहता है। उठाने का सुन के आप डर मत जाइए भाई, डर के जो ये मत बोलेंगे सर नहीं 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 ये जॉब नहीं चाहिए, आपको अकेले के लिए नहीं है, वो सब मिल के वो काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हार्ड वर्किंग वालों के लिए ये काम होने वाला है। ये जो सैलरी है वो अनपढ़ वालों के लिए भी है, अगर आप अनपढ़ है, आपको जो है हट्टे कट्टे हैं और आपको ये जॉब करना है, तो गाइस आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड भेजें और हेल्पर वेल्डिंग जॉब करके लिख के भेजें, बस उतना काफ़ी है। जॉब होने वाली है बेंगलोर लोकेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर लोकेशन में, और वो भी बोमचंदा इंडस्ट्रीज एरिया में। अच्छी जॉब है और परमानेंट जॉब है, प्लस इसमें एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि इस कंपनी में मान लो कभी काम रहता है, कभी काम नहीं रहता है, जब काम नहीं रहता तब आपको रूम पे छोड़ा जाता है, कहने का मतलब आप रूम पे रहते हैं तो उसका जो पैसा कंपनी डिडक्शन नहीं करती है, वो भी पैसा आपको देती है कंपनी। एक बार आपका जो सैलरी फिक्स कर देती है वही सैलरी आपको देती है, ऐसा नहीं कि जो है आप 5 दिन काम गए, 3 दिन जो है छुट्टी मिल गया या फिर काम नहीं आया तो उसका 3 दिन का पैसा कंपनी काट लेगी या डिडक्शन कर लेगी, ऐसा नहीं है। आपका महीने का जो XYZ रुपीज़ फिक्स किया जाता है वो रुपीज़ आपको दिया जाता है।
प्लस टाइमिंग की बात करें गाइस, तो टाइमिंग इसमें जो रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। फिक्स कहने का मतलब एक 12 घंटे तो ड्यूटी नहीं रहती है, लेकिन कभी ये रहता है कि आपको जल्दी से जो है मतलब जल्दी आपको रूम से निकलना पड़ता है, या फिर मान लो 1-2 घंटा जो है थोड़ा कभी ज़्यादा काम हो गया तो थोड़ा 1-2 घंटा ज़्यादा देना पड़ता है। वो लोग क्यों इसलिए करते हैं कि मान लो 1 हफ्ता काम किया, उसमें बीच में 3 दिन काम नहीं आए, 3 दिन बैठे रहे, तो उसका जो है आपको 1 घंटा 2 घंटा कभी करके वो लोग आपसे मतलब काम लेते हैं। कहने का उतना ही मतलब है, 12 घंटा 24 घंटा आपसे काम नहीं करवाएंगे, काम उतना ही जो है 9 से 10 घंटा या फिर 8 से 9 घंटा ही रहेगा काम। तो गाइस ये होने वाली है हेल्पर प्लस वेल्डिंग। अगर आपको वेल्डिंग का भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी थोड़ी अलग रहेगी। वेल्डिंग वालों के लिए सैलरी जो है 15 के अराउंड रहती है, प्लस सेम फैसिलिटी रहेगी रूम, और प्लस डेली का 100 रुपीज खाने वगैरह का जो भी है वो फैसिलिटी रहेगी। तो गाइस जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा अप्लाई कर सकता है, लिमिटेड पोस्ट है। मैं हर बात ये चीज क्लियरली बोलता हूँ कि हम लोगों के पास अगर लिमिटेड पोस्ट है तो लिमिटेड पोस्ट है, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा जो है वैकेंसीज नहीं रहती है। रीजन सब यही रहता है कि एक बुलाते हैं 10 आ जाते हैं, तो उनको वापस बाहर निकाल नहीं सकते, तो वही कारण रहता है कि हम लोगों के पास पोस्ट उतनी ही रहती है और वो बहुत ही जल्दी फिल हो जाती है। 1 हफ्ता 10 दिन मुश्किल से वो चल पाती है, बस उसके अंदर वो पूरी फुल हो जाती है, बाद में कब आती है वो देखा जाता है। तो गाइस आप लोगों के लिए कुछ अलग से हटके जॉब्स थी ये, आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जॉब पसंद आई होगी। जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे आधार कार्ड भेजे, भेजने के बाद हाय सर आई एम इंटरेस्टेड इन वेल्डिंग वर्क के हेल्पर वर्क। मान लो कोई अनपढ़ कैंडिडेट से उसको लिखना नहीं आता, तो वो बोल के भेज सकता है कि सर मैं वेल्डिंग का काम या फिर मैं हेल्पर का काम करना चाहता हूँ सर, व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज छोड़ सकता है। कॉलिंग का टाइम का इस हमेशा की तरह मैं एक बार और बोल देता हूँ कि आपको 10 बजे से लगाकर 5 बजे यही कॉल करना है, नाइट में कॉल नहीं करना गाइस, और सैटरडे संडे तो कॉल ही नहीं करना है। इस सैटरडे संडे बहुत सारा इतना कॉल्स आया और उसमें भी काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी आए हैं, देखा हूँ मैं कि कमेंट्स में एक दो मैसेज भी मिला कि सर आप फोन नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते बोले, तो उन्होंने संडे फोन किया और संडे में जो फोन रिसीव करते ही नहीं हम लोग। और दूसरी बात है कि आप एक काम या फिर एक रिंग करके फोन छोड़ देते हैं, मतलब कहने का मतलब अगर मान लो कोई कैंडिडेट कोई हम लोगों की कंपनी की तरफ से अगर कोई फोन नहीं उठाता एक रिंग में, तो आपको 10 या 15 मिनट छोड़ के एटलीस्ट सेकेंड टाइम में आपको कॉल करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ना कि कंटिन्यू करना चाहिए। मान लो दोपहर में भी आप कॉल करते हैं तो बेचारा खाने को जाएगा, पीने को जाएगा, 2 मिनट रेस्ट को जाएगा ना, तो वो भी 5-7 मिनट के लिए रेस्ट चाहता है। मान लो वो इधर उधर चला जाता है फोन छोड़ के, तो आप थोड़ा वेट करें, 10 मिनट 15 मिनट वेट करें, उसके बाद अगेन कॉल करें, 100% आपको रिस्पॉन्स मिलता ही मिलता है। आप फटाक से जो है वीडियो देखते हैं, टाइमिंग नहीं देखते, कॉल कर देते हैं और रिसीव होता नहीं है, फिर जाते हैं यूट्यूब पर टाइप करते हैं क्या क्या पता नहीं जो मन में आता है। एनीवे गाइस वो आपकी मर्जी, और इस जॉब के लिए आपको ऑफिस ही आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स लेके, और ऑफिस आने के लिए गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं वर्क एट वर्क, आपको लोकेशन वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, जिस दिन आपका टिकट हो जाता है या फिर जिस दिन आप मन बना लेते हैं आने का, उस दिन पहले एक दिन मुझे टिकट का फोटो भेज देंगे, तो हमारी टीम आपको फॉलोअप लेती है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है था आपके लिए, आने वाला जॉब रहेगा आपका किचन वालों के लिए, किचन स्टाफ वालों के लिए, जो मैं कल ही आपको वो वीडियो देने वाला हूँ बहुत ही। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही उम्मीद और बहुत ही पसंद आया होगा, पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जॉब अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक